नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा चेक सीटीएस सिस्टम क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बैंक कहते हैं आपको कि आपका चेक सीटीएस ही होना चाहिए। देखिए, सीटीएस चेक का मतलब होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये एक सिस्टम है जो कि आरबीआई ने डिज़ाइन किया था 2019 में। अब ये काम कैसे करता है, इसके बारे में मैं आपको एक वर्क फ्लो के जरिए बताता हूँ। देखिए, आपको किसी ने चेक दिया, आप वो चेक को लेकर गए बैंक में। अब एग्जांपल लीजिए, आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, लेकिन आपको चेक HDFC का मिला है। तो होता क्या है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं जहां आपका अकाउंट होता है, आप स्लिप भरते हैं और चेक को काउंटर पे दे देते हैं। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है कि ब्रांच क्या करती है, उस चेक को की इमेज को स्कैन करती है, स्कैन करके उसको क्लियरिंग हाउस भेजती है। ऑनलाइन ही होता है सारा प्रोसेस, और क्लियरिंग हाउस उसको HDFC में रिप्रेजेंट करता है इमेज को। HDFC तब उसको क्लियरेंस दे देती है, तो आप पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। ये सारा प्रोसेस डिजिटल होता है, फिजिकली चेक आपका मूव नहीं होता। फिजिकली चेक आपका SBI में ही रखा रहेगा हमेशा के लिए, लेकिन आपका पेमेंट आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से काफ़ी टाइम बच जाता है। जनरली 24 घंटे के अंदर आपका पेमेंट आ जाता है, चाहे आपका चेक किसी भी स्टेट किसी भी जगह का क्यों ना हो। अब मैं इसको नॉर्मल वे में समझते हैं। आपने चेक दिया काउंटर पे जाके उन्होंने उस चेक को स्कैन किया। डे में वो कभी भी स्कैन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम भी स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद वो चेक चला जाता है आपका क्लियरिंग हाउस में, जो RBI का एक जो सिस्टम है, और फिर वहाँ से वो चेक होता है क्लियर। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।